Hi guys and welcome back to my channel. Today I'm going to review my Honda Aviator because अभी 10,200 kilometers हो चुका है तो एक review तो बनता है. तो मैं आपको एक शायद genuine review दूंगा कि आपको स्कूटर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, क्या problems हैं, क्या advantages हैं, क्या disadvantages हैं और कुछ मतलब maintenance cost क्या है, और उसे high है या low है. तो मैं पूरा आपको अच्छा genuine review दूंगा. तो hope you guys like this video, so let's start with the video guys. So guys, let's review our Honda Aviator. It's 10,200 kilometers ho chuka hai. So let's start with the engine part. This is a 109cc engine with wet clutch, dry clutch and air cooled system. So ye 8.5 समथिंग बी एच पी प्रोड्यूस करता है. सो ये द बेस्ट इंजन है तो इस 110cc की सेगमेंट में. तो ये इसमें मेरे को अब तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है दिस आफ्टर मेरे को 1.5 ईयर हुआ इसे लिए. तो दिस इज द कूलिंग फैन जो यहाँ पे, इसका मुझे अभी इतना नॉलेज नहीं है तो मैं आपको दूसरी वीडियो बना के दिखा दूंगा तो ये किस काम में आता है. सो लेट्स आफ्टर 10,000 किलोमीटर्स दिस ऑल स्विच आर वेरी गुड. सो गाइस वन मोर थिंग इज दिस इज Honda Aviator इज हैविंग फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो बहुत बढ़िया है. जैसे कि एक्टिवा और माइस्ट्रो में ये स्प्रिंग लोडेड होते हैं तो काफ़ी उनमें प्रॉब्लम होती है जब फ्रंट ब्रेक यूज़ करते हैं तो वो, और उनमें काफ़ी झटके भी लगते हैं, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आती है हैंडल वगैरह में. और सेकंडली जो इसका फ्रंट रिम है वो 12 इंच का है तो इससे भी काफ़ी मदद मिलती है, थोड़ा कंफर्टेबल फील होता है. तो ये भी इसकी एक एडवांटेज है और उसे लाइक एक्टिव एंज माइस्ट्रो, लेकिन माइस्ट्रो एज में टेलीस्कोपिक है और 12 इंच का फ्रंट व्हील है. सो गाइज यही गाइज इन द रियर साइड देर इज़ अ स्प्रिंग लोडेड मोनोशॉक सस्पेंशन जो कि सब स्कूटर्स में सेम होता है. सो ये भी काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है पिलन राइडर के लिए. सो ये भी एक इसका एडवांटेज है कि ये बहुत बढ़िया सस्पेंशन है. सो गाइज यही इसमें. सो गाइज मुझे सिर्फ दो ही चीज़ों में डिसअपॉइंटमेंट हुई है बहुत ज़्यादा. एक तो ये मिरर्स बहुत लूज़ हैं जो ये कहीं भी हल्के से झटकों में ये अपनी जगह से हिल जाते हैं तो इसमें पीछे का व्यू कम आता है. और सेकंडली जो अपनी रिम्स हैं इनने मुझे डिसअपॉइंट किया है क्योंकि ये मेरे को 1.5 ईयर हुआ है इसे लिए और ये देखो यहाँ से बेंड होनी शुरू हो गई है. तो अभी मुझे बदलना पड़ सकता है किसी भी टाइम क्योंकि इसका नहीं पता है कब तक चलेगा. सिर्फ इन दो ही चीज़ों ने मुझे डिसअपॉइंट किया है तो बाकी सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी हैं. तो आपको बताता हूँ कैसे क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं. और सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट द ऑल लाइट सिस्टम द हेलोजन लाइट. दिस इज़ ए हेलोजन लाइट फॉर हेडलाइट. दिस इज़ वेरी गुड एंड दिस इंडिकेटर्स आर ऑल वेरी गुड. अब तक कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ी मुझे इसमें. और इस स्पीडोमीटर लाइट भी बहुत अच्छी है एंड बैक लाइट्स आर ऑल्सो गुड. तो इसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम फेस करनी नहीं आई. तो मुझे अभी 1.5 लगा लो अबाउट 9,000 किलोमीटर थे जब मुझे इसका स्पीडोमीटर वायर, ये वाला वायर है जो ये मुझे चेंज कराना पड़ा क्योंकि ये टूट गया था अंदर से. तो जिसकी वजह से हमारी जो मीटर की रीडिंग है वो बढ़ नहीं रही थी तो इस वजह से ये चेंज कराना पड़ा. और बाकी तो बहुत अच्छा स्कूटर है और ये टायर्स बहुत ही MRF जैपर टायर हैं तो बहुत बढ़िया है ये. अब तक इसमें मुझे एक ही पंचर हुआ है और फ्रंट व्हील में तो अब तक हवा भी नहीं निकली है. 1.5 ईयर हो गया तो बस वैसे चेक करा लेता हूँ मैं कभी कभी. सो ओवरऑल तो बहुत अच्छा स्कूटर है लेकिन अब मैं आपको कुछ कमियाँ बताता हूँ इसकी कि क्या है कि जो इसकी एवरेज है जो मैं आपको दिखाता हूँ जो ये
कार्बोरेटर अंदर है उसकी वजह से अप डाउन हो जाती है कई बार, कभी 44 देती है, कभी 45, कभी 40 पे आ जाती है, तो इस वजह से थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। तो एंड कभी कभी ये किक में प्रॉब्लम आती है कि किक इसकी वापस ऊपर नहीं आती, तो इसमें भी एक डिसएडवांटेज है। तो बस यही इसमें प्रॉब्लम है। तो ओवरऑल वेरी गुड स्कूटर। तो मैं आपको एक इसका बस अब आपको इसका सर्विस कॉस्ट बताता हूँ। सो फर्स्ट सर्विस तो इसकी 500 के अराउंड हो जाती है, पहली तीन सर्विस 500 के अराउंड, एंड आफ्टर फोर्थ सर्विस वी हैव टू पे अबाउट 800 और 1000 रुपीज़ टू डू द सर्विस। ये एक थोड़ा इसका डिसएडवांटेज है दूसरे स्कूटर्स के मुकाबले, लाइक जुपिटर और जुपिटर एक्सेस है इनके उससे। तो बस यही है गाइस। तो मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ सर्विस के बारे में। सो गाइस, दिस इज़ आवर सर्विस शेड्यूल। दीज फोर आर फ्री सर्विस जो हमें अपनी बुक में मिलती हैं। तो पहली सर्विस तो हमें 500 किलोमीटर तक करा लेनी चाहिए, जिसका प्राइस कॉस्ट हमें 500 रुपीज़ तक देना पड़ सकता है। और सेकंड सर्विस 3000 तक, जिसका कॉस्ट 450 हो जाता है, थोड़ा कम, क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम्स होती है वो सॉल्व हो जाती है फर्स्ट सर्विस में, सेकंड में इतना कुछ आता नहीं है। तो थर्ड में फिर से 500 हो जाता है, 3000 किलोमीटर के बाद कैब पे करवा सकते हो आप 500। एंड फोर्थ सर्विस होती है सबसे मेन, जो क्योंकि फोर्थ सर्विस 1 साल हो जाता है आपको व्हीकल लिया, तब होती है आपकी फोर्थ सर्विस। तो इसमें 800 से 1000 रुपीज़ लग सकती हैं, क्योंकि आपका ब्रेक शू क्लच वगैरह साफ़ होता है, तो इस वजह से इसमें 1000 रुपीज़ तक लग जाते हैं। फिर आती है पेड सर्विसेज आती हैं फिर, जैसे कि फिफ्थ सर्विस, तो ये भी 3000 किलोमीटर के गैप पे करवानी है, तो इसमें 650 रुपीज़ लगेंगे आफ्टर, मतलब फोर्थ सर्विस के बाद फिफ्थ में, क्योंकि 500 तो पहले लगते थे फ्री में, एंड 150 आपका लेबर चार्जेस हो जाता है फ्री सर्विस में, लेबर चार्जेस फ्री होता है। तो ऐसी सिक्स सर्विस पे भी 650, सेवन पे भी 650, अब एट्थ में फिर से हमारे लगेंगे अब 950 टू 1150 और 1250 रुपीज़, क्योंकि ये हमारी पेड सर्विस होगी। तो इस वजह से ये हमारे पैसे ज़्यादा लगेंगे एट्थ सर्विस में। तो जो सर्विस मेन होती है वो हमेशा एवरी फोर्थ सर्विस मेन होती है, तो इसमें कुछ ज़्यादा हमें पेड करना नहीं पड़ रहा है पैसे। तो दिस द सर्विस शेड्यूल गाइस, थैंक यू। सो गाइज, मुझे 1.5 ईयर हो चुका है इसलिए, लेकिन अभी तक मुझे एक बात अच्छी लगी है कि अभी तक इसकी जो शाइन है ये अभी तक गई नहीं है बिल्कुल भी। तो आप देख सकते हो, मैं बस इसे वीक में एक बार धोता हूँ और एक पॉलिश यूज़ करता हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी पॉलिश है। तो इसकी शाइन अभी तक जैसी आई थी वैसी है, तो ये बात मुझे एक बहुत इसकी अच्छी लगी दूसरे स्कूटर्स के मुकाबले, लाइक जुपिटर एक्टिवा एंड ऑल दैट। सो यही बहुत अच्छा पार्ट था इसका। तो मैं आपको दिखाता हूँ अब वो मैं कौन सी पॉलिश यूज़ करता हूँ। सो लेट्स सी गाइस। सो गाइस, दिस इज़ द पॉलिश विच आई एम यूजिंग ऑन एवरी वॉश आफ्टर वॉशिंग। तो ये मैंने 150 का ख़रीदा था, हाफ लीटर है। तो ये एक लोकल पॉलिश है, ये आपको कहीं पर भी आराम से मिल जाएगा, मतलब लोकल टाइप है। तो इसका आप कहीं किसी अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट पर नहीं मिलेगा ये आपको। सो ये बहुत सस्ता है, और इसकी वजह से ये अब तक मुझे शाइन जो है स्कूटर का ये अभी तक गया नहीं है। तो गाइस, ये मैं यूज़ करता हूँ हर वीकेंड, तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि आप भी ये यूज़ करिए, जिसकी वजह से आपकी स्कूटर की शाइन ना जाए। सो दिस इज़ द वीडियो गाइस। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड I'll be back with more videos with my Honda Aviator. Till then, bye-bye and stay tuned for more videos. Thank you.